नित्य प्रति भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसी शर्मनाक घटनाओं के लिए बार बार उभर के आते हुए राजस्थान सरकार के कारनामों में अब एक नया काला अध्याय जुड़ गया है और ये काला अध्याय लाल डायरी से संबंधित है। वो लाल डायरी जो पिछले कई दिनों से चर्चा बनी हुई थी और जिसको लेकर आपने देखा कि विधानसभा के अंदर फिजिकल मैन हैंडलिंग तक हुई, और अब उस लाल डायरी के काले पन्ने भी एक एक करके सामने आने लगे हैं। अभी जो उसके कुछ अंश सामने आए हैं उससे कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस की सरकार के द्वारा राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन और इस ढंग की चीजों के साथ पैसे के लेन देन की बातें भी सामने आ रही हैं। और अब इसमें इस लाल डायरी में तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के लाल के भी कारनामे सामने आ रहे हैं। और मैं यह बात इसलिए गंभीरता से कहना चाहता हूं कि यह विषय केवल एक आरोप नहीं है, यह विषय राजस्थान सरकार के मंत्री ने उठाया है और मंत्री ने कहां उठाया है, सदन के पटल पर उठाया था। मेरे विचार से संवैधानिक दृष्टि से सरकार के मंत्री का सदन के पटल पर दिया गया वक्तव्य सबसे ऑथेंटिक या प्रामाणिक माना जाता है। तो इससे अधिक प्रामाणिकता सरकार, राजस्थान सरकार के भ्रष्टाचार की नहीं हो सकती।